हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप लोग कैसे हैं? एंड गुड आफ्टरनून। फिर मैंने दोपहर से एक ब्लॉग वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। और देखिए आनम दोपहर में क्या कर रहे, बैल्कनी में खेल रहे। और उस टाइम में हम लोग आनम और आनम पापा और मैं सब मिल के हम लोग साग क्लीन कर रहे। तो ये वाला लौकी का साग मिला मार्केट में, तो अबू ने लेके आया और आनम बैल्कनी में फिलहाल खेल रहे। तो उसको छोड़ दिया कुछ भी करे, क्योंकि उसका दोपहर में सोना नहीं है। तो फिर उसके बाद लंच कराए आनम को, फिर फ्रेश करा के हम लोग निकल गई मुमरा के लिए। तो बहुत दिन से सोच रहे हम लोग इफ्तारी मुमरा में करेंगे। तो यहाँ जो सिलपाटा पार करके, कलनपाटा पार करके एक मार्केट है मुमरा वाला, तो उस जगह में मुस्लिम एरिया है। तो हम लोग सोच रहे तो मुमरा जाएंगे। देखिए उसके लिए पहुँच गया एक्सप्रे मॉल का सामने, वहाँ से हम लोग ओला बुक करेंगे, उसके बाद फिर जाएंगे। देखिए आनम और मैं देख रहे हैं उसका व्यू बाहर का, एक्सप्रे मॉल का सामने जो व्यू है ना, तो इतना ग्रीनरी, उसमें बैठने का जगह है। तो अबू ने थोड़ा काम के लिए गया और आनम को और मुझे छोड़ दिया। तो ये जो ग्रास है ना, इतना अच्छा घास है। तो आनम खेल रहे थे और मैं देखा रहे थे, बहुत ज़्यादा हवा आ रही। और मुंबई में तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, लेकिन वो जगह इतना अच्छा है, कम्फर्टेबल। और आनम देखिए कितना मस्ती से खेल रही, इसलिए मैंने छोड़ दिया। और हवा भी ज़्यादा आ रही और आनम को अच्छा लग रहा है, इसलिए मैंने छोड़ दिया। हम मैं भी वहाँ पे बैठे बैठे ब्लॉग बना रही हूँ। और क्या है ना, तो अनम का तबीयत ठीक हो अल्हम्दुलिल्लाह, थोड़ा बहुत ठीक हुआ, 2 दिन ठीक नहीं था, फिर अभी थोड़ा हैवी है। तो अनम को लेके इसलिए जा रहे बाहर। तो मैंने सोच रहे आप लोगों के साथ शेयर करें हम लोग। तो नेचुरली जो मैंने ब्लॉग बनाते हम लोग कैसे रहते लाइफ स्टाइल, तो आप लोगों के साथ अभी शेयर करने लगा मैं। तो ब्लॉग में मैंने थोड़ा बहुत शेयर करेंगे जो जो हम लोग करते। तो देखते रहिए फिर आगे हम लोग कहाँ जाएंगे, इफ्तारी कहाँ करेंगे, क्योंकि मुमरा में बहुत ज़्यादा रमजान महीने में भीड़ होता है। तो पॉसिबल कितना होता है मुझे वीडियो बनाना, और वही आप लोगों को दिखाएंगे। ज़्यादा मैं नहीं कर पाएंगे शायद, क्योंकि वहाँ पे भीड़ ना मुझे संभालना नहीं आता है, बहुत ज़्यादा भीड़। मैंने एक बार गया था तो मुझे अच्छा नहीं लगते, इसलिए हम लोग सोचा हम लोग जल्दी जल्दी जाएंगे तो अब भीड़ नहीं होगा। लेकिन शाम होने के बाद ना इतना भीड़ रहते तो घुस नहीं पाओगे, इसलिए हम लोग सोचा हम लोग शाम होने से पहले जाएंगे और शाम होने के बाद आएंगे। 7:30 बजे मुमरा में कोई पैर रखने का जगह भी नहीं रहते, क्योंकि रमजान में सब लोग रोजा खुलते बाहर, इसीलिए वो भी रहते। और आनम ये वाला जो चेयर है ना, उल्टा मैन बैठा, तो एक कार्टून, तो आनम देख के फिर उसको भाग गया था, बहुत अच्छा लगा आनम को। तो इसीलिए देखिए ये जगह ना बैठने के लिए बहुत अच्छी है। तो एक्सपीरिया मॉल का सामने है ये वाला। तो फिलहाल आनम तो किचन जाने के लिए बोल रहे थे, तो फिर मैंने बोला अभी किचन जाइए तो फिर लेट हो जाएगी। तो अबू ने बोला आज छोड़ो किचन, तो फिर नहीं जाएंगे। तो इसीलिए फिर आनम और उसका पापा इसे घूम रहे दोनों मिलके। आनम तो बहुत ज़्यादा हैप्पी है। आनम को सिर्फ कुछ मत करो, सिर्फ घुमाओ तो पूरा तबीयत ठीक हो जाती है। वो जितना भी तबीयत खराब होता ना, सिर्फ एक बार बाहर निकालो उसको, बस उसका तबीयत ठीक हो जाती है और खुश हो जाती है। इसीलिए आनम को हमेशा बाहर रहना चाहिए। तो कैब बुक कर लिया, फिर हम लोग निकल गया वहाँ से फिर रोड में। तो ये है मुमरा जाने का रोड है, तो देखते रहे आगे फिर। फाइनली हम लोग मुमरा में पहुंच गई। ये वाला जो साइड में जो खाने का शॉप बैठा, जो स्ट्रीट फूड है, तो यहाँ का लोग है ना जो रमजान में जो रोज़ा खोलने के लिए बाहर ही करते, ज़्यादा लोग घर में ज़्यादा लोग रोज़ा नहीं खोलते, इसलिए फ्रूट एंड जितना भी टिक्की कबाब, जितना भी फास्ट फूड, जितना भी स्ट्रीट फूड यहाँ पे रमजान महीना में मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलते नहीं ज़्यादा इस टाइप का। देखिए सारे लोग अभी इस टाइम में लेते ना, 6:30 बजे तक, 6:30 बजे तक, उसके बाद जो
सब इफ्तारी करने के टाइम सब सब ऑफ हो जाते, फिर सब दुकान भी बंद हो जाते, सब बंद हो जाते, उसके बाद सब लोग रोज़ा खोलते, उसके बाद फिर मार्केट ओपन होते। इसीलिए इस टाइम में थोड़ा भीड़ रहते और सारे लोग यहाँ पे स्ट्रीट फूड खरीद लेते, क्योंकि इन लोग ना घर से इफ्तारी ज़्यादा नहीं करते, बाहर ही करते हाका, क्योंकि रमजान में एक्स्ट्रा करके इन लोगों का ये है बैठता है। तो इतना अच्छा अच्छा खाने का शौक है, इतना अच्छा अच्छा कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जो भी ले लो आपको मिलेगा यहाँ पे। तो हम लोग सोचा मोहम्मद अली रोड जाएंगे, लेकिन वहाँ पे जाने की बहुत टाइम लगता है, फिर अब कॉपीज भी है, फिर हम लोग जाएंगे घर में ईद में, वेस्ट बंगाल थोड़ा टाइम भी कम है, हम लोगों को पैकिंग वगैरह करना है, इसलिए हम लोग सोचा मुमरा बगले है इसलिए हम यहाँ पे आया। और यहाँ पे तो हम लोग सोचा रेस्टोरेंट ओपन रहते, लेकिन रेस्टोरेंट ओपन नहीं रहते ईद के लिए, रमजान के लिए शाम पे सब लोग रोजा खोल सकते बैठ के रेस्टोरेंट में, लेकिन रेस्टोरेंट में खाना नहीं मिलते, सिर्फ बाहर से इस टाइप का खाना खरीद लेके फिर रेस्टोरेंट में बैठ के आप लोग खाना अलाउड है, उसमें कुछ भी पे नहीं करना आप लोगों को, वो है फायदा। लेकिन खाना कुछ भी रेस्टोरेंट में नहीं मिलने वाला, हम लोगों को तो पहले पता नहीं था, बाद में पता चला। तो फिर अबू ने ले रहे फ्रूट्स जो इफ्तारी खोलने के खुलेगा उसके लिए, फ्रूट्स एंड जो जो चाहिए स्ट्रीट फूड, पकौड़े कबाब एंड स्प्रिंग रोल टिक्की, जो भी यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा टेस्टी वाला मिलता है रमजान में, तो इसलिए इस जगह फेमस है रमजान के लिए। तो हम लोग सोचा अबू ने सोचा जो हम लोग जाएंगे एक रेस्टोरेंट में बैठ के अच्छे से खाएंगे, बट यहाँ पे शाम में कोई भी रेस्टोरेंट में खाना नहीं मिलेगा, कि अभी इस टाइम में इफ्तारी करने के टाइम में रेस्टोरेंट में के अलाउ कर दिया और आप लोगों को बैठ के खाना खा सकते, बट खाना नहीं मिलते, उन लोग सर्व भी कर देते, इस टाइप का हम लोगों को मालूम चला पता चला। फिर हम लोग सोचा फिर चलो, फिर इसलिए अनाम को लेके अबू ने घूम रहे, तो मैं मेरे को बोला थोड़ा बहुत अभी ब्लॉग बनाओ, तो मैं ब्लॉग बना रही, लेकिन पॉसिबल नहीं होता ज़्यादा अच्छे से ब्लॉग बनाना, बहुत ज़्यादा भीड़ रहते और इन लोग ज़्यादा अलाउ भी नहीं करते, क्योंकि मुस्लिम एरिया है तो वीडियो भी अच्छी नहीं हो। देखिए इधर राबड़ी एंड स्वीट वगैरह कितना सारे वैराइटीज़ का स्वीट, मुझे पता भी नहीं है अच्छी से, मैंने वीडियो भी नहीं कर पाया था, थोड़ा बहुत आप लोगों को दिखाने के लिए किया, क्योंकि रोजा के टाइम है ना तो अच्छा नहीं लगते वीडियो करना। और देखिए फालूदा, इसमें जलेबी, फ्रूट्स जो कुछ भी, और यहाँ पर ना फेमस फेमस सारे स्ट्रीट फूड मिलता है, कबाब कितना हर तरीके का कबाब मिलता है, तो फिर मैं वही दिखा रही थी आप लोगों को। और यह है जो ईद के लिए शॉपिंग करने लेडीज़ लोगों का मार्केट है एक साइड में, और जेंट्स लोगों का भी मार्केट है, जैसे बच्चा का ड्रेस, बड़ा का ड्रेस, जो अरबियन ड्रेस, पाकिस्तानी ड्रेस, जो भी आप लोगों को मिलेगा यहाँ पे, छोटा बड़ा हर एक चीज़ मिलता है सामान, ड्रेस, जूता चप्पल एंड स्टोन का जो आपको नेकलेस वगैरह, ब्राइडल सब कुछ मिलता है, ईद के लिए भी आप लोग खरीद ले सकते एंड हर एक चीज़ मिलता है, ड्रेस मटेरियल जो वेडिंग ड्रेस एंड कुर्ता सेट एंड सलवार सूट सेट, पंजाबी पाजामा सेट सब कुछ मिलता है, लेकिन हम लोग से देखा है आप लोगों को तो देखने के लिए। और यहाँ के जो ड्रेस है ना मुमरा का, जो इधर का लोग का कम्फर्टेबल, हमें ज़्यादा कम्फर्टेबल नहीं लगता, लेकिन जॉर्जेट टाइप का, सिंथेटिक टाइप का ज़्यादा है, बच्चा का, बड़ा का भी, तो इसलिए मैंने फिलहाल यहाँ पे ड्रेस कुछ भी नहीं लिया था, हम लोग सिर्फ नेकलेस वगैरह, ब्रेसलेट वगैरह लिया था, क्योंकि ईद का ड्रेस हम लोग का ऑलरेडी खरीद लिया था, तो बाद में फिर दिखाएंगे, शेयर करेंगे। तो फिलहाल हम लोग इफ्तारी करके वहाँ से चला गया, क्योंकि इतना भीड़ बढ़ने लगा, अनकम्फर्टेबल फील किया, फिर होने लगा, इसलिए हम लोग चला आया, फिर वीडियो नहीं बना। नेक्स्ट डे फिर मैंने आया, ट्रॉली बैग मैंने धूप में दिया, क्योंकि पैकिंग वगैरह करना है हमें जाने के लिए वेस्ट बंगाल। तो देखिए अबू ने अनम को खिला रहे थे, मैं इधर खाना बना रही थी, नेक्स्ट डे था मुमरा से आने के बाद, उस दिन का नेक्स्ट डे था, तो मैंने खाना बना रहा, भिंडी फ्राई एंड मैंने बनाएंगे क्या क्या आप लोगों के साथ आप लोगों को दिखा रहे थे, क्योंकि अबू ने अनम को खिला रहे थे और इधर इसी टाइम में मेरे को टाइम मिला था, तो फिर मैंने सोचा खाना मैं बनाएंगे, तुम खाना खिलाओ अनम को, क्योंकि अनम खाना नहीं चाहते, इसलिए थोड़ा बहुत टाइम लगता है, तो मेरे इधर खाना भी लेट बनाना हो जाते। देखिए ये छोटा फिश लेके आया, जो इसको क्या फिश बोलता है पता नहीं मुझे, तो इसको क्या छोटा छोटा फिश बोलता है, इसको फ्राई ना बहुत ज़्यादा क्रिस्पी लगता है, तो हम लोग सबको बहुत पसंद है, तो मॉ फिश होगा शायद। तो देखिए मैंने अच्छा से फ्राई करेंगे जितना क्रिस्पी वाला, जो मुरमुरा टाइप वाला, ताकि उसका काट है ना तो छोटा छोटा हो जाए। और बनाएंगे मैंने पनीर, एक सिंपल तरीका से मैंने पनीर बनाएंगे जो रेगुलर जो हम लोग खाते थे। तो देखिए इस टाइप का मैंने फ्राई कर लिया, क्रिस्पी जो इसका जो काट होता है ना तो जल्दी जल्दी टूट जाता है इस टाइप का, और अनम को भी बहुत पसंद है। और इधर भिंडी फ्राई भी होगी, और अनम देखिए कैसे कर रहे, तो अनम का तो भी दो दिन से खराब
था इसलिए अनम थोड़ा बहुत खाने के खिलाके खाने के लिए दिक्कत कर रहे, खाना नहीं खाना चाहते, तो बहुत ज़्यादा ट्राई करने के बाद थोड़ा बहुत खाते तो कोशिश कर रहे। तो इधर देखिए भिंडी भी फ्राई हो गया और इधर मैंने कढ़ाई बैठा दिया पनीर बनाने के लिए। तो पनीर के लिए मैंने पनीर चॉप कर लिया, कटिंग कर लिया, और इधर मैंने जिंजर गार्लिक को इस तरह का ग्रेटेड कर लिया और प्याज भी काट लिया। आज कुछ भी पेस्ट नहीं बनाएंगे मैं, जल्दी जल्दी बनाने वाला सब्जी झटपट ये वाला इजी तरीके से आप लोगों को दिखाएंगे, जो आप लोग 10 मिनट का अंदर ही ये पनीर का सब्जी बना सकते एंड रोटी राइस सबके साथ खा सकते। क्यों मैं जैसे बनाती हूँ ना, कभी ज़्यादा टाइम का सब्जी बना नहीं पाती हूँ, मैं जल्दी जल्दी बनाती हूँ। देखिए जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, सॉल्ट सब कुछ मिला के एक साथ में मैंने वाला मसाला को भुनाएंगे और थोड़ा सा पानी ऐड करने के बाद उसके बाद फिर मैंने पनीर ऐड कर देंगे और मैंने 10 मिनट के लिए पकाएंगे। बस रेडी हो जाएगी वाला पनीर का सब्जी, क्योंकि अनम को ज़्यादा टाइम मेरे को दूर रहेगी ना तो रोने लग जाएगी, फिर अनम को खाना खिलाना है, नहाना है, तो टाइम लग जाएगी। तो अभी दोपहर का होने से 12:30 होगा सही टाइमिंग। तो मैंने लास्ट में ब्लैक पेपर पाउडर एंड कसूरी मेथी को दे दिया। तो कसूरी मेथी और ब्लैक पेपर पाउडर मैंने सारे सब्जी में मिलाती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा टेस्टी अच्छा लगता है। और मैंने ग्रीन चिली को खड़ा भी डाल दिया और देखिए मसाला अच्छी तरह से भून लिया। उसके बाद पनीर ऐड कर दिया और पनीर को मैंने फ्राई नहीं करती हूँ, क्योंकि फ्राई करने से के बाद ना पनीर बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाते, फिर खा नहीं पाते, इसलिए फिर मैंने पनीर को ऐसे ही डाल दिया। और गर्म पानी ऐड करने के बाद फिर कुक कर लिया, बैठा दिया मैंने। और इधर मैंने राइस को क्लीन कर रहे, उसके बाद राइस प्रेशर कुकर में बनाएंगे। और देखिए इधर पनीर भी हो रहे, राइस भी बैठा दिया, तो जल्दी जल्दी खाना बन रहे। और देखिए इधर पनीर भी ऑलमोस्ट हो गया, तो और दो टू मिनट का अंदर ही इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे। इस टाइप का मैंने पनीर बनाया, क्योंकि इसका जो थोड़ा बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं, ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं, ग्रेवी वाला। और देखिए अनम खेलते खेलते क्या कर रहे, पोटी पॉट सब कुछ सामान इस तरह का रख दिया, तो मुझे बोल रहे थे उसका जो बॉक्स लेके आया मिकी माउस वो दिखा रहे थे, तो मुझे कुछ बोल रहे थे, तो मैंने उसका बात नहीं सुनाया, बाद में भी सुनाएंगे, क्योंकि मैं बात में वॉइस दिया था इसलिए उसका बात अब लोग सुन नहीं पा रहे। तो व्यूअर्स उसके बाद फिर अनम खाना खा के सो गया सारा दिन, और फिर मैंने ब्लॉग नहीं बनाया, अबू ने ऑफिस चला गया, शाम पे इफ्तारी भी दिखाना है पाया था आज, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो था। तो अनम ने मेहंदी पहना और सारे बेट में मेहंदी भी लगा दिया और शाम में उठ के भी वो बैठा, मैं उसको स्नैक्स वगैरह खिलाएंगे। तो आज का ब्लॉग वीडियो इतना ही है, फिर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय।